रोलिंग। देश भर में जल्लोस के साथ लोग नामांकन भर रहे हैं, आज हम नागपुर से नागपुर लोकसभा में खड़े हैं, हम देखते हैं आप नामांकन कर रहे हैं, भगवान नीला और ये क्या कॉम्बिनेशन देखते हैं आप? ये भीम शिवशक्ति भीम शक्ति का जैन आंदोलन है। हमने शिवशक्ति भीम शक्ति विचार मंच स्थापित करके मैं अपक्ष चुनाव लड़ रहा हूँ, और महाविकास आघाड़ी में जब हम लोग उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे शिवसेना पक्ष की ओर से हम लोग थे, तो जब कृपाल तुमाने जब ये शिवसेना छोड़ कर गए उसी समय पक्ष सेठ ने मुझे कहा था कि भाई आप चुनाव की तैयारी करें, इसलिए मैं गाँव गाँव शहर शहर तालुका न्याय सब जगह पर मैंने संगठन की मजबूती से बांधा, हर जगह पर मीटिंगें ली, यहाँ तक कि सुषमा अंधारे संजय राव साहब की हमने सभाएं ली। अभी क्या जरूरत पड़ेगी आप शिवसेना के विरोध में जरूरत यह है कि बाबा साहब ने हम संविधान के माध्यम से हर लोगों को व्यक्ति स्वातंत्र दिया है और संविधान के अंतर्गत हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमारे शिवसेना सैनिकों पर अन्याय हुआ है, शिवसेनों की मांगनी है शिवसैनिकों की कि भाई हमारा जो है पार्टी नहीं लड़ रही है तो पार्टी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो साकरे जी के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिल रहा है, इसलिए हम पूरा ताकत। मतदारों को क्या देंगे संदेश, जो आपके मतदार है उनको क्या संदेश? देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो उम्मीदवार उनका जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित है, लेकिन मैं 40 साल से अंबेडकर चढ़ोल में काम कर रहा हूं और जगह जगह पर मैंने संगठन के हिसाब से काम किया है, और जिस शेड्यूल कास्ट से मैं आता हूं उस समाज का उस जाति का 5 लाख मतदान है, और पूरा 5 लाख मतदान का एक सशक्त दावेदारी मेरे साथ में है, और 1-2 लाख और बढ़ जाए तो जीत हमारी होगी। देख रहे हैं देश भर में लोग अलग अलग तरीके से अपनी डिमांड कर रहे हैं, लोग अपने पार्टियों से अलग अलग तरीके से बागी हो रहे हैं, बंडखोरी बना कर रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिल रही है। सुरेश साकरे जी जो थे जो नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं।